भंडारे आयोजित करने के कई कारण होते हैं, जिसमें से दो मुख्य कारण हैं धर्मार्थ और दूसरा सामाजिक। धर्मार्थ के अंतर्गत किसी मंदिर में नवरात्रि या गणेश उत्सव पर भंडारे का आयोजन किया जाता है और इसी तरह गुरुद्वारा में लंगर चलता है। दूसरा सामाजिक है, जबकि गरीबों को भोजन कराना होता है या किसी प्राकृतिक अपना या अन्य कारण से बेघर लोगों को भोजन कराना होता है। धर्मार्थ आयोजित भंडारा को प्रसाद कहते हैं। मंदिर में देव प्रसाद और गुरुद्वारा में गुरु प्रसाद मिलता है, इसका सेवन किया जा सकता है। मंदिर या गुरुद्वारा में यात्री, सन्यासी, धर्म योद्धा और उस व्यक्ति के लिए भंडारे का आयोजन होता है प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ है या जिनके पास भोजन नहीं है। हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं, जातीय हिंसा, आंदोलन आदि के चलते कई संस्थाएं भंडारे का आयोजन कराती हैं या पीड़ित व्यक्ति तक भोजन पहुंचाया जाता है। अधिकतर भंडारा गरीबों और असमर्थ लोगों के लिए आयोजित किया जाता है। यदि समर्थ व्यक्ति भोजन करता है तो यह नैतिक रूप से ठीक नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि गरीब के लिए यदि भोजन भंडारा रखा गया हो तो समर्थ यदि उसमें भोजन करता है तो उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं होती है। समर्थ व्यक्ति धर्मार्थ भंडारा किसी कारणवश करता है तो उसे दान भी देना चाहिए। धर्मार्थ भंडारे को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि किसी सक्षम व्यक्ति के भंडारे में रखा अन्न खाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कई सक्षम लोग माता की पूजा के बाद ब्राह्मण भोज के साथ ही भंडारे का आयोजन कराते हैं, जिसमें सभी तरह के लोग भोजन करते हैं। गरीब और अमीर के साथ ही किसी भी प्रकार का उसमें जाति भेद नहीं रहता है। भंडारे हमारी सामाजिक एकता का प्रतीक है, अतः भंडारे का निमित्त जानकर भंडारे का आयोजन कराने और भंडारे में भोजन करने के बारे में सोचना चाहिए।